गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। चलिए आज मैं हम आपको एक्सिस के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्रिएट टैब पर हम जाते हैं। क्रिएट टैब पर हम सबसे पहले क्वेरी विजार्ड का प्रयोग करके हम क्वेरी करते हैं। जैसे क्वेरी पर जाते हैं हम सिंपल क्वेरी यानी नेस्ट कर देते हैं, आपको कहीं क्लिक नहीं करना। हमें क्या क्या सर्च करना है, इसका प्रयोग होता है सर्च करना, यानी कि आप बहुत सारे कॉलम्स में दिए हैं लेकिन आपको तीन चार कॉलम्स ही चाहिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमें चलो सीरियल नंबर चाहिए, इस लिस्ट में आ चुका है, और नेम भी हमें चाहिए, नेम आ गया, फादर नेम भी चाहिए हमें, मदर नेम नहीं चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए, और हमें चलो कोर्स भी चाहिए। इसके बाद हमें केवल डिस्ट चाहिए, और इसके बाद हमें फोटो वाला या ईमेल चाहिए, या ओनली ज्वाइनिंग डेट चाहिए। चलो हमने इतने सारे कॉलम्स में बहुत सारे हैं लेकिन हमें सब नहीं चाहिए, हमें सबकी टेबल नहीं चाहिए, सबकी लिस्ट नहीं चाहिए, हमें केवल इतने सारे कॉलम्स की लिस्ट चाहिए। हमें क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, फिर से नेक्स्ट कर लेंगे। अगर हमें वहाँ चेंज करना है, सेट करना है, तो यहाँ से कर भी सकते हैं, और इसके बाद फिनिश कर देंगे हम। जैसे हमने फिनिश किया तो आपके सामने इस तरीके से सीरियल नंबर नेम का सारा लिस्ट आ गया है। देखो आपको हम ये लिस्ट बताएं, इतने सारी लिस्ट में से एक हमारी क्वारी कौन सी आई, क्वारी का मतलब सर्च होकर इतनी सारी आ गई है। अब हम इसको दूसरे तरीके से आपको बताएंगे। जैसे हम इस पर जाते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी टेबल है इसी में से हमें छांटना है, तो हम क्वारी डिजाइन पर जाते हैं। क्वारी डिजाइन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये दूसरा तरीका है डिजाइन से। आप कैसे आपकी जो एमएस ऑफिस एक्सेस की जो फाइल है इसमें तीन ही टेबल शो हो रही है। देखो यहाँ हो रही ना, तीन टेबल्स हैं। तो चलो हमें अपनी स्टूडेंट रिकॉर्ड जनवरी का ही चेक करना है, हमने इसको ऐड बटन पे क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक कर लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं कि ये आपको क्लोज करना है, हमने इसको क्लोज कर रखा है। क्लोज करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपको सीरियल नंबर चाहिए। चलो हमें सीरियल नंबर चाहिए, देखो यहाँ आपके यहाँ आ चुका है, सही का मार्क भी लग गया है। इसके बाद अगर आप वहाँ नहीं करना चाहें तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे सीरियल नंबर के बाद हमें नेम चाहिए, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना है तो आप यहाँ भी इंटर दबा के ऐसे लग सकते हैं। फादर नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, और हमें कोर्स चाहिए, और डिस्ट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमें इतना करने के बाद इसके बाद हमें सीधा कहीं क्लिक नहीं करना है, रन पे क्लिक करना होगा। जैसे हम रन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रन हो किया गया है। तो आप हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वारी का प्रयोग, क्योंकि क्वारी हम नहीं समझा पाए थे पिछले लेसन में। तो